Richa Ghosh, the Indian wicketkeeper. Oh, and that's not a bad one as well. Fearless cricket. That's what these youngsters play. Fearless cricket. Very nicely played. Well picked up. Chunk of it. That is it. It's gone for six. We all know what a wonderful talent Richa Ghosh is. एक दूसरे से हम खेलते हैं तो उतना प्रेशर मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है मुझे प्रेशर मेरे प्रेशर के साथ खेलने इजी होता है मुझे और she had this natural ability I'm jai na ওকে কিন্তু সেভাবে কাউকে দেখাতে হচ্ছে না যে কোন যে খুব তাড়াতাড়ি ক্যাচ করত এবং ওই স্ট্রেট যে ব্যাট বলি আমরা ঠিক আছে সেই জিনিসটা কিন্তু মানে ইনবিল্ট ন্যাচারাল একটা ট্যালেন্ট ছিল সে যখন ম্যাচ জিতিয়েছিল বা তার যে ছয় মারত যেগুলো আমার অনেক ভালো লাগতো তো আমারও মনে হতো কি আমিও মারবো এরকম শটস ও ছোটা উমর মে হাম সোচা ভি নাই কি ও ক্রিকেট খেলে হাম সোচা ঠিক হ্যাঁ ফিটনেস করনে কে লিয়ে চলো ভাই সাথ মে হাম ভি হ্যায় তো মেরা পাস ভি রহেগা ঠিক হ্যায় থোড়া ওয়াচ ভি হোগা মেরা প্র্যাকটিস ভি হোগা বস ইহি তো হাম বোলা কি তুম এক কাম করো টেবল টেনিস তো হামনে টেবল টেনিস মে উসকো লেকে গিয়া ওয়াহ ট্রায়াল দেনে কে লিয়ে তো এক দো বল ও খেলা খেলনে কে বাদ ব্যাট ওয়াহ পর রখ কে বোলা নেই হাম ইয়ে নেই খেলেঙ্গে হাম ওই খেলেঙ্গে সিলিগুড়ি সে বহুত জন হ্যায় জো সাপোর্ট ভি নেই কিয়া থা মুঝে স্টার্টিং মে কি ডিস্ট্রিক্ট মে মুঝে চান্স নেই মিল রহা থা স্টার্টিং মে कि एक्चुअली वो लड़की खेले कोई नहीं चाहते थे उस टाइम क्योंकि कोई लड़की खेलते थे शायद इसलिए कोई हमको सामने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो लोग सोच लिया कि नहीं इसको कुछ बोलने के कोई फायदा भी नहीं जो इन्होंने सुना है जिसने सुना है अभी वो लोग ही आते हैं कि पूछते हैं कैसा है क्या चल रहा है तो ये पापा मम्मी को सबको खुश होता है कि चलो जिसने सुना है अभी वो ही आते हैं जैसा कि देखिए सब सोचते हैं कि लड़की को लिए सबसे अच्छा चीज़ दें तो मेरा जो लिमिटेशंस था उसमें हम चलने का कोशिश करते हैं जब मैं छोटी थी तो हम लोगों का ऐसा सिचुएशन था मेरा पापा कुछ काम उतना नहीं करते थे एक छोटा सा बिजनेस था उसके बाद पापा अंपायरिंग करते थे तो अंपायरिंग से उतना कुछ आता भी नहीं था हम लोग ने सोच लिए थे ठीक है जे दैट बिजनेस ओके देयर वाज अ इनकम नो डाउट लेकिन अगर हमको रिचा के पीछे कुछ टाइम देना ही है तो हमको अगर कोई एक्सक्यूज नहीं रखना है तो हमको बिजनेस बंद करना है बिजनेस से नहीं जा पाएंगे तो ये एक्सक्यूज हम नहीं रखना चाहते थे जो सोच है बंद कर दो अभी हम फ्री है जिसके साथ है जब भी जहाँ पर जाना पड़ेगा हम साथ में जाएंगे Opening bid of 50 lakh for Richa, 85, 100 lakh for Delhi, 130, 160, 170, 180, never say never, 190, thank you challengers, at 190, and selling then for you Bangalore at 190 lakh. Sold, well done, at 190 lakh for Richa Ghosh. मैं चाहती हूँ कि मैं पहले कलकत्ता में अपना फ्लैट लूँ जिसमें मेरे मम्मी पापा को सेटल करूँ अच्छे से और उनको अपने लाइफ एंजॉय करने दूँ अभी क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल किया है बहुत अभी भी मेहनत करे लाइक पापा अभी भी अंपायरिंग करता है बट इसके बाद मैं नहीं चाहती हूँ कि पापा कुछ मेहनत करे जो भी करना है अभी मैं और मेरा दीदी भी है हम दोनों मेहनत करेंगे और उनको बोलेंगे आप एंजॉय कर लो सिर्फ इस लाइफ को